देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान से 4 सदस्य चुने जाएंगे। यहां की 4 सीटों के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला मैदान में हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवाड़ी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने चुनाव मैदान में उतरकर जोर तोड़ की कोशिशों को बल दिया है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें संगठित होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का पाठ पढ़ाया। उनसे बीजेपी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार, जब संख्या बल नहीं है बीजेपी के पास में, तो वोट कौन से लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, क्यों लेंगे। सब मिलकर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग, जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अपने विधायकों की बाड़ाबंदी जयपुर के पास जामडोली के एक होटल में की है। बीजेपी भी इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की गणित बैठाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है। बीजेपी इसे अंतरात्मा की आवाज का नाम दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार खेला होगा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतेगा। शिक्षण के लिए, मतदान के लिए भी कई बार हम लोग डेमो कराते हैं, और दूसरा जब लोग इकट्ठे होते हैं उसका संगठनात्मक रूप से हम लोग लाभ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे विधायक हैं जो पहली बार आए हैं, जो दूसरी धारा से भी आए हैं, उनको पार्टी के इतिहास विकास से लेके और विधानसभा में विधायन के उनके क्षेत्र के मुद्दों को समाधान की दिशा में किस तरीके से ले जाएं। बहरहाल देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचने की रणनीति भी दोनों ही प्रमुख दलों की हाई लेवल की है। अब ये देखना अहम होगा कि 10 जून को शय और मात के इस खेल में किसको जीत मिलती है और किसको हार। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जनटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की, और मुद्दा है राजस्थान में राज्यसभा का रन। यूं तो 15 राज्यों के 57 सीट के लिए 41 में निर्विरोध, और जो सीटें हैं उसके लिए शुक्रवार को यानी कि 10 जून को मतदान होना है, और मतदान सभी जगह बड़ा रोचक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के तो था ही। पांचवे प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने मैदान में कूद करके 4 सीट पर मुकाबला कर दिया है। रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि हरियाणा में कहा जा रहा है कि अपना करिश्मा और चमत्कार देख चुके सुभाष चंद्रा, राजस्थान में क्या चमत्कार देखेंगे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ देर पहले ही जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि तीनों सीट जीत रहे हैं और बीजेपी का भ्रम उतर जाना चाहिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 126 विधायक हमारे साथ में है, लिहाजा तीनों सीट हमारे पक्ष में। खैर चलिए, लेकिन क्या कत्ल की रात जैसा भी कुछ है? कई बार कहा जाता है कि इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले कत्ल की रात होती है, लेकिन वो कत्ल की रात राज्यसभा चुनाव में भी होगी? चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा से, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हैं, सभी का स्वागत है। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी संभव है, और दो दिन पहले ही प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जैसे सुभाष चंद्रा जी ने कहा कि मेरे साथ इतने विधायक है, क्रॉस वोटिंग होगी, उन्हें तो पूरा भरोसा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज जब अभी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं उदयपुर से, तब वो कह रहे हैं कि कहीं कोई मुगालती की बात नहीं, ना कोई गफलत है, 126 विधायक हमारे साथ हैं, और जैसे सरकार गिराने में मदद की उसी तरह से तीनों सीट निकालने में भी भरपूर मदद करेंगे। छोटी मोटी कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं, वो दूर हो गए हैं और कहीं कोई खतरा नहीं है, दिक्कत बीजेपी के सामने है। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी कहीं ओहापोह की स्थिति है, या फिर हमें रिजल्ट तक तो इंतजार करना ही होगा कि क्या स्थिति रहे? देखिए साहब, परिणाम आने से पूर्व तक ये जो चुनाव है बड़ा रोमांचक हो चुका है।
इसमें कोई दोराय नहीं, दावे दोनों ही दल कर रहे हैं कि हम दो सीटें जीते, बीजेपी दो सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसमें एक निर्दलीय को अपनी वो जो सुभाष चंद्र वाला जो है उसको भी वो अपने खेमे में डाल के बता रही है कि दो हम सीटेंगे और तीन, और उधर कांग्रेस तीन का दावा कर रही है, हम तीनों सीटें जीतेंगे। देखिए जहां अगर मान लीजिए अगर तीनों सीटों की अगर दावेदारी का पलड़ा जो अगर देखे जाए तो कांग्रेस का भारी पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से मैनेज किया है, जिस तरह से बाड़ेबंदी की गई है, जिस तरह से सीपीएम ने बोला है और इसके अलावा जो आपके निर्दलीय जो हैं, 13 निर्दलीय उनका समर्थन है, और दूसरा जहां तक है बीटीपी के 2 MLA भी उनके साथ हैं, तो इन चीजों को देखते हुए तो ये मान के चलिएगा कि 3 सीटें उनके पास मिलनी है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सभी विधायकों को सत्ता में भागीदार बनाएंगे, एक ये भी एक इस तरह का मतलब जो आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से जो 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 रोष लिए हुए जो विधायक थे वो उनका निश्चित रूप से इस ओर झुका हुआ। अब निर्दलीय विधायक जैसा वो दावा करें कि मेरे 6-7 विधायक जो हैं कांग्रेस के वो भी मेरे समर्थन, सुभाष चंद्र जो कह रहे हैं दावा, तो उनमें और अब वो कितना क्या करते हैं, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी मेरे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो अगर उनकी बात देखते हैं वो किस रूप में मतलब कहते हैं सक्सेस होते हैं, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। जो आपने जो बताया कि मुख्यमंत्री की बॉडी से मालूम पड़ रहा है कि वो इस तरह का कोई संकेत नहीं दे रहे, बल्कि वो ये तीनों सीटों पर जीत की दावे कर रहे हैं। अब ये है कि इसमें बीटीपी को लेकर के एक विवाद सा जो बना हुआ है कि उनकी पार्टी के जो है उसका तो गाइडेंस ये है कि आप भाग नहीं लेंगे मतदान में, और जबकि बीटीपी के विधायक वहां पे उदयपुर में कांग्रेस के शिविर में थे और साथ ही यहाँ जब आए हैं उनके साथ ही उन्हीं के साथ ही आए, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि पार्टी का वहाँ ये कोई विप काम नहीं आएगा, बल्कि विधानसभा में जो इन पार्टी का जो है जो सचेतक है या नेता जो है बीटीपी का, उसके ही निर्देश काम आएंगे, तो वो जो कार्रवाई करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टी संगठन अपनी तरफ से कर सकता है लेकिन विधानसभा की सदस्यता से उन्हें कोई खतरा नहीं। तो अगर बीटीपी हाँ, तो इन चीजों को दावे के हिसाब से कह सकते हैं कि पलड़ा फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ भारी है। जी अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी अपने नेताओं के साथ में वो भी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वो फोटो भी जारी कर रहे हैं, तो पूरा अभ्यास वर्ग चल रहा है उनका, आप लोगों के यहाँ पे जादू के खेल भी दिखाए गए और मुख्यमंत्री ने इसमें स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच भी नहीं किया, उन्होंने साफ कहा कि बाड़ेबंदी है, बाड़ेबंदी ही होती है और उसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन मूल नाम बाड़ेबंदी है, उसे खारिज भी नहीं करते वो। खैर चलिए, लेकिन अभी कुछ आपको है कहीं पे संदेह? बीजेपी का अपना दावा है कि देखिए रिजल्ट क्या गुल खिलाते हैं, उसी से पता लगेगा। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, राज्यसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पे तीनों पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और अभी मैं ऑफिस से आ रहा था तो आंधी सी भी थी और कुछ बूंदे भी गिरी और वातावरण थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है, गर्मी से राहत है। कल जो ये चुनाव है उसमें जो ट्विस्ट और टर्न आए और रोमांचक बन गया, ऐसा काफी दिन से चल रहा है कि अब ये रोमांचक हो गया है, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये सिर्फ अंकगणित का सब्जेक्ट था, राज्यसभा के चुनाव प्योर अंकगणित पे होते हैं और अंकगणित पूर्व पहले से ही बोर्ड पे लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको रोचक बनाना था, शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारे 2 कैंडिडेट लड़ेंगे एक्चुअली, बाद में उनको लगा होगा ये थोड़ा ज्यादा रिस्क है, एंड विधानसभा चुनाव से पहले अगर एक बार फिर पटकनी खा गए
बीजेपी के कैंडिडेट, तो ठीक खबर नहीं होगी। फिर उनने निर्दलीय नूमा सुभाष चंद्र जी को सपोर्ट करने का फैसला किया। आए बड़े रोचक दिलचस्प आदमी है। शिक्षा तो उनकी हालांकि सिर्फ 12वीं तक है, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बड़े चैनल के मालिक हैं। ये भी एक दीगर बात है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही उनकी एक कंपनी ने दिवालिया होने के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन विधायकों पे इसका सबका क्या असर पड़ेगा? विधायकों पे क्या असर पड़ेगा, उनकी देनदारी हो या फिर उनका जो स्किल है उसका, वो उसको देख के वोट देंगे कि उसको देख के खारिज करेंगे, कोई असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मैं वही आ रहा था कि बोर्ड पे जो 126 लिखे हुए हैं पिछले 15 दिन से, वो 126 मत कांग्रेस के समर्थन में पड़ेंगे। 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसी पूरी संभावना है कि 2 तिवाड़ी जी और मुकुल वासनिक और सुरजेवाला जी राज्यसभा के सदस्य होंगे। मैं घनश्याम जी को भी शुभकामना देना चाहता हूं इस मौके पर कि काफी कद्दावर नेता हैं, पर हम सब जानते हैं कि पिछले 5-6 साल उनको कितने आदर से भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। वो 1-1.5 साल हमारे यहाँ भी घूम के जा चुके हैं। अब उनको कैंडिडेट बनाया है, जरूर उनके दिमाग में कुछ योजना होगी हाईकमांड के, बीजेपी के, उनके लिए मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन सुभाष चंद्र जी को उतार रहे हैं, रोचक हैं, उनको मत तो चाहिए। आप नहीं दे रहे तो कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मत तो जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो ही देंगे, अब हरियाणा से तो लेके नहीं आ सकते। नहीं नहीं, वो यही वाले देंगे, योगेंद्र जी यही वाले देंगे। मैं वो ही बता रहा था कि वैसे तो कांग्रेस और उसके समर्थन के जो विधायक हैं उनमें से तो कोई नहीं देगा। और सचिन पायलट जी का भी कैरियर बनाना चाह रहे थे वो, अभी 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि वो कह रहे थे भाई यही मौका है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता उन्होंने बीजेपी से कंसल्ट किया है या नहीं, पर वो पायलट जी को कह रहे थे यही मौका है सीएम बनने का। आप चूक गए तो 28 में बनोगे, 28 में कोई चांस, इस टाइप की बात कर रहे थे। चलिए, सचिन जी की सलाह मुझे पसंद आई। सचिन जी की सलाह उनको जो दी उनने वो मुझे पसंद आई कि ससम्मान। वापस आ रहा हूँ अब मदन जी की सलाह भी आपको दिलवाता हूँ मैं। राठौर साहब जी, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, और लेकिन जीतने की बात कि ये तो प्रणाम बताएंगे, हमारे साथ में लोग हैं, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी के नेता जीत का दावा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि शायद बड़बोलापन नहीं कहूंगा इसे मैं, और ये कहूंगा कि अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अंदर बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है, लेकिन अब रस्म अदायगी करनी है क्योंकि नामांकन वापस लेने का समय भी जा चुका है। अब तो सामने बस आपको मतदान के लिए जाना है। देखिए, मुझे तो अरुण जी की बात पर हंसी आ रही है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की शिक्षा पर, और वो प्रश्न उन्होंने उठाया कि वो 12वीं पास है। एक बात आप सुनिए, सुरजेवाला जी की शिक्षा क्या है? आज वो क्या बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीता का चीरहरण हुआ, ये क्या शिक्षा है उनकी? ये सीता का चीरहरण कभी भी नहीं हुआ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। तो ऐसी शिक्षा तो नहीं चाहिए जिनको ये भी नहीं पता कि महाभारत काल है, कि रामायण त्रेता युग है, ये उनको पता ही नहीं है। ऐसी शिक्षा किस काम की? और जिस उम्मीदवार की, सुरजेवाला की ये बात कर रहे हैं, उसने खुद ने अपना क्रॉस वोटिंग किया, अपना वोट दिखा दिया, और हरियाणा के अंदर इसी सुभाष चंद्र को जिताने के लिए सुरजेवाला ने अपना वोट खारिज करवाया था। अभी क्या ये किस विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जहां तक इस चुनाव की बात है, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया था घनश्याम जी तिवारी को, और घनश्याम जी चुनाव जीतेंगे। हमने अपने पास एक्स्ट्रा वोट्स हैं, वो हमने सुभाष चंद्र जी को दिए, निर्दलीय को देंगे नहीं तो कांग्रेस को तो देने से रहे। और सुभाष चंद्र जी जब मैदान में उतरे हैं निर्दलीय, तो उन्होंने अपनी रणनीति पहले तैयार कर ली थी। और अरुण जी, आपने बाड़ाबंदी बहुत देरी कर दी, उससे पहले हो चुका जो होना था, पहले हो चुका, सारी रणनीति उन्होंने पहले से तैयार कर ली। तैयार करने के बाद में मैदान में उतरे हैं आपके। अब आप बाड़ाबंदी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो बाड़ाबंदी क्यों करी आपने? बाड़ाबंदी करी और कितने प्रलोभन देने पड़े, कितने आप नाटक कर रहे हो, किसी को कह रहे हो तुम्हारे केसेज विड्रॉ हो जाएंगे,
और किसी को कह रहे हो कि तुम्हारे रेप के केसेस भी विड्रॉ हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि हमको लॉलीपॉप पकड़ाया था, कौनी के गुड़ लगाया था, कुछ भी नहीं दिया, आप बोल रहे दे देंगे, अब आपकी सब शर्तें मान लेंगे, और फिर दूसरी तरफ आप हमारे बीजेपी के विधायक को कितना प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हो उसको और डराने की कोशिश कर रहे हो, 5 साल पुराना केस जिस पर आप समन जारी कर रहे हो, दूसरा समन जारी कर रहे हो, ये तो देखिए सत्ता का दुरुपयोग तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ इनके आने वाला नहीं है। इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया किसी और सचिन पायलट के लिए कह दिया निकम्मा निठल्ला किसी काम का नहीं, और ये ऐसे ऐसे बोलने के यही मौका है, ये अंतिम चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग होगा, कांग्रेस में से क्रॉस वोटिंग होगा, और हमको तो देखिए ये क्या क्या शिक्षा देंगे जब इनकी खुद के कैडर जो है आपका देखिए महेश जोशी, नहीं नहीं महेश जोशी मुकदमा दर्ज कर और कोई आश्वासन मिला है दायर करवा रहा है, जो इनका चीफ व्हिप है, चीफ व्हिप परिवार दायर करवा रहा है, ये आंतरिक भय नहीं तो क्या है, कांग्रेस के अंदर डर है पूरा, और निश्चित रूप से ये डर वाजिब भी है, उनका डर वाजिब है कि उनके अंदर कैडर जो है वो कैडर है ही नहीं, कैडर बिकाऊ माल है, अब वो सोचे उनके बारे में। राठौर साहब जो आपका भरोसा है क्रॉस वोटिंग का, उसका कोई आधार है, या फिर बीच में जो मीडिया में चर्चा रही या फिर 1.5 साल पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो डिफरेंस है जो उसको आधार बना करके कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो जो निर्दलीय उम्मीदवार इतना तेज है, इतना होशियार है, भले ही 12वीं पास होगा लेकिन इतना बड़ा चैनल चला रहा है, वो उसने जो कुछ भी मैदान में उतरने से पहले करना चाहिए ना वो एक्सरसाइज कर चुका। इन्होंने बाराबंदी में देरी कर दी अरुण जी ने, अब आप देरी कर दी तो भुगतो, अब आप भुगतोगे, आपके अंदर की जो क्या वो नाराजगी जाहिर है वो अब आ जाएगी सामने, अरे आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले कहा था हम आपको मंत्री बनाएंगे, उनको बनाया नहीं, किसी को आपने ऐसा विभाग दे दिया कि उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सब दुखी हैं, वो दुख आप व्यक्त करेंगे वो। और जैसे अभी महेश जी ने बहुत अच्छी बात कह दी कि भाई इसमें यदि वो क्रॉस वोटिंग करता है तो इसकी मेंबरशिप जाती नहीं है, और चली भी गई तो क्या होगा, 1.5 साल बचा है, क्या होना है, इसलिए वो लोग अपना गुस्सा इजहार करेंगे इस राज्यसभा चुनाव में, वो सारा गुस्सा निकल करके आएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और हमारा समर्थित उम्मीदवार दोनों हम जीत करके आएंगे, और सुरजेवाला जी को फिर वही वो जो गलतियां की है ना, जो इस सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए हरियाणा में जो उन्होंने वोट दिखा करके और लाभ पहुंचाने का काम किया था, और वो क्या अब और बातें तो जो बहुत कुछ है ये अंदर की बातें होती है जो बाहर निकालने की नहीं होती है कि कौन क्या करेगा, लेकिन हम चुनाव जीतने वाले। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, अरुण जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राठौड़ साहब ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की, उनमें से एक तो शिक्षा का मुझे वाकई उल्लेख नहीं करना चाहिए था, 12वीं पास है तो कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा की बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए तक पहुंच जाएगी, तो शिक्षा की तो जितनी कद्र हो रही है इस समय अपने देश में वो सबको मालूम है, वो छोड़ दीजिए। एक जो कमाल की खतरनाक कॉन्फिडेंशियल बात राठौड़ साहब कर रहे हैं वो ये कि माल तो ठिकाने पहुंच चुका है, बाढ़ेबंदी देर से हो रही है, ऐसा लग रहा है इनके सुपरविजन में ही सामान गया हो, जैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं ये। देखिए ये राठौड़ साहब कह रहे थे मैं हास्यास्पद बात करता हूँ, चुटकुले तो ये सुना रहे हैं, मतलब इनको अभी अभी तो क्या करना है क्या नहीं करना है कि लिस्ट दी है बीजेपी ने, पहली बार मैंने 8 साल में सुना है कि प्रवक्ताओं कहा गया है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, मैंने इससे पहले नहीं सुना, और काफी लिस्ट है, फिर भी ये चैनल पे बैठ के आपके कह रहे हैं कि काम हो चुका है, पहले ही हो चुका है, बहुत होशियार आदमी है, इस काम में एक्सपर्ट है, ये निबंध लिखना चाहते हैं उनपे, कोई तिकड़म चलेगी नहीं योगेंद्र जी, इस बार चली भी नहीं है, पिछले 3.25 साल से क्या कम कोशिशें हुई हैं इस प्रदेश में, कोई तिकड़म नहीं चलेगी, 126 वोट कांग्रेस को मिलने हैं, वो मिलेंगे, तीनों सीट जीतेंगे, और इस रोचक जरूर इन्होंने बनाया, पर नतीजा वही होगा जो 10-15 दिन पहले अपने को दिख रहा था। एक और बात, ये कोई एमएलए अपनी ओपिनियन देता है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई मंत्री कहता है ये जलालत के काम से मेरा पीछा छुड़ा दो, इसको अचानक अपन कुछ 8-10 साल में बुरा मानने लग गए इस बार,
यूं तो हम सब लोग प्रजातंत्र के बहुत बड़े हामी हैं, सब चाहते हैं कि देश में प्रजातंत्र रहे, संगठनों में प्रजातंत्र रहे, पंचायत तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे। अगर कहीं प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है तो अपने को अब समझ में आना बंद हो गया है। हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो 24-24 एमपी इस राजस्थान की भूमि ने जिस पार्टी को दिया, 24 एमपी मुंह पे जिप लगा के वहां बैठे हुए हैं बरसों से। चले वापस राजस्थान के हित का एक भी मामला नहीं उठाया है ना, इसमें कोई खतरा भी नहीं है। वापस लौटूंगा आपके पास अरुण जी, वापस लौटूंगा मैं जी का, रुक करना चाहूंगा सर, आपके पास आना चाहूंगा। अभी अरुण जी और राठौड़ साहब दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार तो खैर हर किसी को होता है। जब चुनाव होता है, प्रोसेस है उसका, नामांकन, उसके बाद में विड्रो का टाइम, फिर आपका नहीं होता है तो फिर मतदान होता है, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, वो घड़ी आ रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, बीजेपी के केंद्रीय नेता यहाँ पहुंचे, उनके ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं दो दिन से, तो बीजेपी को अभी भी कुछ भरोसा है सर? या मदन राठौड़ साहब जो कह रहे हैं कि जो खेल होना था हो चुका, खेला तो हो गया, अब कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विलंब कर दिया, कहीं अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है ऐसा लगता है आपको, या फिर जादूगर का जादू भी चलेगा, वो कोई कमजोर नहीं है? जादूगर का जादू भी चला रहे हैं, और इसके अलावा जो भी जो बताया जा रहा है जिस तरह का, कि आप ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पे गौर करने की बात यह है कि 13 एमएलए निर्दलीय हैं, वो बाध्य नहीं है कि किसी को अपना वोट दिखाएं। एक बिल्कुल उनका, अगर उन्होंने किसी ने दिखा दिया तो खारिज हो जाएगा, तो ऐसे में उनको गुप्त मतदान करना है। 13 वोट तो ये हैं। बीटीपी का क्या है कि बीटीपी को जरूरी नहीं कि वो इनको भी वोट दिखाए, उनका भी वोट, अब वो परस्पर बीटीपी के आपस में देख ले तो बात अलग है। और सीपीएम का भी यही है, सीपीएम ने दोनों कहा कि हम भाजपा को नहीं देंगे, तो भाजपा को नहीं देंगे तो फिर तीसरा एक और भी है ना कि निर्दलीय, वो निर्दलीय के रूप में अगर वो मान लेते हैं, उनको किसी प्रायोरिटी पे अगर वो दे भी दिया उन्होंने, तो आप ये जो आपके जो चार तो ये और 13-17 जो हैं जो वोट हैं वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और उसी में रहस्य छिपा हुआ है। वो हो सकता है कांग्रेस का अगर प्रभाव ज्यादा रहा तो गहलोत साहब का अगर मैजिक चला तो उनके पक्ष में चले जाएंगे पूरी तरह से, और नहीं चला तो एक दो अगर बिखर भी गया तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला अगर खारिज पर, जैसे कि अभी बताया कि बीजेपी के वे जो करवा रहे थे वोटों की, मतलब क्या कहता था, जो रिहर्सल करवा रहे थे कैसे पड़ जाए, जिसमें पहली बार में 5 खारिज हुए, दूसरी बार में 2 खारिज हुए, अगर ये खारिज की चीजें हुई दोनों खेमों के अंदर, तो मतलब ये परिणाम बिल्कुल आप अकल्पनीय भी कह सकते हो। आप वैसे जुगाड़ दावा सभी कर रहे हैं, दावे अलग बात है, जब परिणाम जब आएंगे तब देखने की बात है, तब तक उत्सुकता तो बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में है, कोई ना कोई एक शहीद होगा। बिल्कुल, अब वो शहीद कौन होगा ये देखने वाली बात रहेगी। एकादशी का दिन रहेगा, निर्जला एकादशी है, निर्जला सभी लोग रहेंगे, और अभी देखने वाली बात रहेगी। खैर देखिए, रोचक इस वजह से कह रहा हूं कि अगर और कोई, लखावत साहब जब चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार जब राज्यसभा के चुनाव थे, उस दरमियान लग रहा था कि लखावत साहब रंग नहीं जमा पाए, डिक्लेयर था वो 12 बजे, वो 1 बजे खुद भी निकल गए थे विधानसभा से, लेकिन सुभाष चंद्रा का चमत्कार, उनके जीत का चमत्कार हरियाणा देख चुका है। तो ऐसे में जो हम जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में भी किसी को लगता है कि देखिए अब कोई चमत्कार भी हो सकता है, आप इतना बड़ा आदमी है हल्के में मत लीजिए, वो योनी है राजस्थान में, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को, आम व्यक्ति है, आम आदमी मतदाता नहीं है वहां पे, लेकिन उनके चुने जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक मतदाता जरूर है, तो हर किसी की जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि क्या वास्तव में यहाँ पे भी कुछ होगा। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, उनकी प्रेस ब्रीफिंग का आप जो जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपने सुना होगा सुभाष चंद्रा साहब की का, उनका कॉन्फिडेंस था वो, या फिर किसी चमत्कार के
जो उनको इंतजार है, मदन राठौड़ साहब जिसका संकेत भी दे दिए हैं, एक दिन पहले की रात जिसे हम कत्ल की रात कहते हैं सरपंच के चुनाव में, बेचैनी तो नहीं बढ़ा रही है कांग्रेस की? जी बिल्कुल नहीं। देखिए सुभाष चंद्र जी में जरूर कुछ ना कुछ गुण है, तभी तो वो इस हाइट पे पहुंचे हैं, शिक्षा और ना शिक्षा। मोटिवेशनल स्पीकर है सर वो, करिए। नहीं नहीं वो बुरा मान गए इसलिए दोबारा मैंने जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोलते अच्छा है, अभिनय और एक्टिंग अच्छी है, ये मनोवैज्ञानिक खेल है। मतलब अगर वो क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे हो तीन दिन पहले वो दिल्ली की तरफ निकल जाए कि यार यहाँ तो बैठ नहीं रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा ही कहेंगे और उनका वो कॉन्फिडेंस ठीक है अपनी जगह और प्रभावी ढंग से बोलते हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। लेकिन ये तय है योगेंद्र जी, अब तो 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं, सुभाष चंद्र जी को यहाँ से एक नया सबक सीखेंगे वो। हरियाणा अलग बात होगी, वहां भी मतलब आप देखिए वहां सीधा साधा कुछ मामला नहीं था, 14 वोट खारिज किए गए क्योंकि पेन की स्याही नहीं मिल रही थी। इस बार पेन पे भी निगरानी रखी जाएगी शायद कि कोई पेन नहीं बदल दे, स्याही का रंग नहीं बदल दे। वो सुरजेवाला जी का भी खारिज हुआ था, वो केस अभी तक लंबित है योगेंद्र जी, फैसला नहीं हुआ है उसका, अभी भी कोर्ट में लंबित है वो केस। और दूसरे चुनाव आ गए, वो भारत में चलता ही है, ये तो टाइम लगता है फैसले होने में। लेकिन ऐसा सीधा सपाट चुनाव नहीं था राज्यसभा का हरियाणा वाला, वहां खट्टर साहब थे, यहाँ अशोक जी हैं, काफी फर्क पड़ता है इस बार। जी राठौड़ साहब। हाँ मैं ये एक तो महेश जी से बात करनी थी कि बसपा का जो विधायक है वो मत किसको दिखाएगा? यदि कांग्रेस को दिखाएगा तो खारिज हो जाना चाहिए क्योंकि अभी पेंडिंग है। कांग्रेस को दिखाएगा तो उसका भी खारिज होना चाहिए क्योंकि वो बसपा से जीत करके आया है और उसका विलय जो है वो गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, सर ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर, दोनों ने ही याचिका को मिस्टर नाहटा जो उनके लॉयर है उनको खारिज कर दिया कि ये अब वक्त नहीं है इस पे सुनवाई का। दूसरा ये जो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरजेवाला जी ने खुद ने अपना वोट खारिज करवाया था हरियाणा में, इसका जवाब अरुण जी ने नहीं दिया। दूसरा उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता का चिरहरण बोला, अब ये कौन सी शिक्षा है उनकी, ये नहीं समझ में आया। ये सुरजेवाला जी हैं जो आपके उम्मीदवार भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ये ना इनको भी तो ये पढ़ना चाहिए ना, कैसी शिक्षा है इनकी? वो प्रश्न उठा रहे हैं सुभाष चंद्र की शिक्षा पर। देखिए सुभाष चंद्र ने तो वहां पर भी अपना रंग दिखा दिया था और यहाँ भी दिखाएंगे निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी दोनों ही चुनाव जीत करके आएंगे। जहां तक इन्होंने और घनश्याम जी की बात कही कि हमारे यहाँ भी आकर के गए, वो आए आपके यहाँ देखा कुछ भी नहीं है सिर फुटावल के अलावा, यहाँ तो यानी शून्य है ये पार्टी, तो यहाँ क्या करना है? तो देख लिया हमारा जो बचा कहीं दुपी आ गया तो ठीक है ना, वापस खूंटे पे आ गया, हमारे सही ठिकाने पर है, चिंता मत करो। इसलिए आप किसी दूसरे पर नहीं, अपने कैडर पर चिंता करो। तो चलिए जी अरुण जी कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा था ध्यान रखना तिवारी जी का, पिछली बार भी वो खुशी खुशी थोड़ी आए थे, बहुत मजबूरी में आए थे। माफी चाहूंगा समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। नतीजों में भी और जो कुछ जिसके लिए इतनी कवायद की गई है, बाड़े बंदी हुई है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बाड़े में है, विपक्ष बाड़े में है, आम जनता कहाँ जाएगी? कोई बात नहीं, आप इतना दिल थाम करके बैठे और थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद में प्रतिपक्ष भी आपके बीच रहेगा और सत्ता पक्ष भी आपके बीच रहेगा। अब कोई चुनाव नहीं है, अब तो चुनाव वही चुनाव होगा जिसमें आपको अधिकार है अपनी सरकार बनाने का। इस बीच को चुनाव है नहीं, तो अब आपके विधायक, आपकी सरकार, आपका प्रतिपक्ष सब आपके साथ ही रहेगा। लेकिन इस मुकाबले के रिजल्ट का इंतजार करिए, उसके बाद क्या कुछ दिशा तय होती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथि और दर्शकों का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।